गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, सातवीं क्लास के सभी विद्यार्थियों का संस्कृत की कक्षा में स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में पांच प्रश्न तीसरे अध्याय के पढ़ लिए हैं। अब छठे प्रश्न से हम चल रहे हैं। प्रश्न नंबर छः है, स्थूल पद को ध्यान में रखते हुए प्रश्न निर्माण करेंगे। स्थूल पदम आधारित्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। स्थूल बोल्ड अक्षर या मोटा शब्द देखते हुए उससे प्रश्न निर्माण करना है। आप देख सकते हैं यहाँ आपकी सुविधा के लिए हमने जो बोल्ड वर्ड है उसके नीचे ही उसका शब्द लिख दिया है जो प्रश्न बनेगा, जिससे प्रश्न बनते हैं। लेकिन आपने पूरी की पूरी लाइन लिख के आगे प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाना है। जैसे पहला वाक्य है, वृक्षा अस्माकम जीवनम संति, तो यहाँ बोल्ड वर्ड है वृक्षा, इसकी जगह लिखेंगे हम के, और बाकी वाक्य पूरा लिखेंगे अस्माकम जीवनम संति, पूरी लाइन लिखते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। दूसरा वाक्य देखिए, वृक्षाणाम मूलानि पृथिव्याम भवन्ति, तो वृक्षाणाम पेड़ों की मूलानि जड़ें पृथिव्याम धरती में भवन्ति मैंने होती हैं। यहाँ पृथिव्याम मैंने धरती में, इससे ये बोल्ड वर्ड है, इससे प्रश्न बनाना है। तो पृथ्वी में या पृथ्वी पर, में पर की जगह अधिकरण कारक लगता है कहाँ, इसकी जगह हम कुत्र प्रयोग करेंगे। वृक्षाणाम मूलानि कुत्र भवन्ति क्वेश्चन मार्क चिन्ह, वृक्षाणाम मूलानि कुत्र भवन्ति। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, प्रकांडात शाखाः उद्भवन्ति, शाखा बोल्ड वर्ड है, इसकी जगह का आ गया, प्रकांडात काः उद्भवन्ति क्वेश्चन मार्क चिन्ह। चौथा प्रश्न है, वृक्षाः प्राणिनः इव आचरन्ति, तो वृक्षा की जगह के हो जाएगा, के प्राणिनः इव आचरन्ति। इसके बाद पांचवा भाग है, वृक्षाणाम बहवः भेदाः सन्ति, वृक्षाणाम की जगह हो जाएगा केषां, क्योंकि छठी विभक्ति संबंध कारक और बहुवचन है, तो कस्य कयोः केषां, केषां बहवः भेदाः सन्ति क्वेश्चन मार्क चिन्ह। वृक्ष रक्षणे अस्माकं जीवन रक्षणम्, ये पेड़ की रक्षा में हमारे जीवन की रक्षा है या पेड़ों की रक्षा में हमारे जीवन की रक्षा है, दोनों तरह के वाक्य बन सकते हैं। इसलिए यहाँ पर दो भाग दिखा दिए हैं, केषां रक्षणे या कस्य रक्षणे अस्माकं जीवन रक्षणम् अस्ति क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमें प्रश्न निर्माण इस विधि से करना होगा। ये हमारा छठा प्रश्न यहाँ पूरा हुआ, और अब आप सातवां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 में दिया गया है, जो प्रश्न हमने छठी क्लास में पहले अध्याय के अंतर्गत भी व्याकरण भाग में किया था, यहाँ आप देखें, उदाहरण अनुसरित्य निम्नलिखित पदाना नाम वर्णान पृथक कृत्वा लिखंतु, भाई उदाहरण दो दिए गए हैं, इनका अनुसरण करते हुए आप ये जो पीछे शब्द दिए हैं उन सभी शब्दों को उनके स्वरों को उनके व्यंजनों से अलग करके और व्यंजनों को अलंत करते हुए लिखें। उद्भवन्ति, जैसे आपने ना अस्माकम देखा, आ प्लस सा प्लस मा, अस्म अस्माकम, मै प्लस आ मा, क प्लस अ क और मा, तो अस्माकम इस तरह से हमने अलग अलग कर दिया। इसी तरह से आप यहाँ देखिए वृक्षाह दे रखा है, पहला शब्द लिया हमने व्री, तो व को री से अलग कर दिया और व को अलंत कर दिया व्री, फिर कष और आ वृक्षाह, उद्भवन्ति उ प्लस द प्लस भ, भ में से अ अलग कर दिया और भा को अलंत कर दिया उद प्लस भा, भा वा, वा प्लस अ अंति, ना प्लस ता प्लस ही अंति। तो उद्भवन्ति के प्रत्येक व्यंजन पर ध्यान देंगे और उसमें जो साउंड आपको सुनाई दे रही है उसको अलंत से अलग करते हुए प्लस के निशान लगा करके उसको अलंत कर दे व्यंजन को और आगे वही ध्वनि लिख दें। पृथिव्याम, पहला अंडरलाइन किया प्री, प और री अलग कर दिया, थी था और ई अलग कर दिया, व्या वा या आ और मा मा आगे है, उपरिष्टात तो ऊ पा, पा में से अ निकाला ऊपा, री को रा प्लस ई कर दिया, री स टात ट प्लस आ और त उपरिष्टात, इस प्रकार से हमारा ये रूप बन जाएगा। ऐसे प्रकांडा है दिया, प्र प्लस प प्लस र प्लस आ प्र,
का क प्लस आ और अपना है तो ण आगे लिख दिया और ड ड प्लस आ आगे विसर्ग आएंगी। आप बाकी के इन शब्दों को भी इसी तरीके से अलग अलग करें, व्यंजनों में से स्वर अलग निकाल के और आगे लिखते चले जाएं, तो इस तरह से हमारे ये शब्द भी बनते चले जाएंगे। जैसे भुक्तवा है, भा प्लस ऊ प्लस का प्लस त प्लस व प्लस आ भुक्तवा। गृहीतवा भी ऐसे ही है, ग प्लस री हा प्लस बड़ी ई की मात्रा त प्लस व प्लस आ। इसी तरह से मृयंते है, मा प्लस रा और ई या प्लस आ हाफना त प्लस ए मृयंते। इसी तरह से खरजूर वलकलई और रक्षणिया भी आप बनाएं। तो आप यहाँ देखेंगे मूल्यांकनात्मक प्रश्न है, भवंता अपठन यत भिक्षा सदैव प्राणिनाम उपकारं कुर्वन्ती एतेषां रक्षणे अस्माकं जीवनस्य रक्षणम् अतः भवंता वृक्षाणां रक्षणाय किं किं करिष्यन्ति। तो आप भी सोचें कि आप वृक्षों की रक्षा के लिए क्या क्या कर सकते हैं। अपने घर में एक पादप आरोपयंतु, कोई एक पौधा लगाएं, उसका ध्यान करें, उसका सिंचन करें। वृक्षा अस्मभ्यम यान पदार्थान यच्छन्ति तान पुस्तकान लिखन्तु। तो जो जो चीज़ें हमें पेड़ देते हैं वो सारे के सारे आप चाहे सचित्र चित्र छापें और लिखें या फिर खाली लिखते चले जाएं, जैसे फल देते हैं फूल देते हैं आदि आदि। तो इस तरह से इस प्रश्न के अभ्यास को आप पूरा करेंगे। धन्यवाद।